हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ एमसीक्यू जो वो भी हम यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज भी जो मैक्सिमम न्यूज़ आई है वो मेनली बजट से रिलेटेड ही है, पीआईबी और द हिंदू में। तो हम उन सारी न्यूज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तो 2-4 दिन बजट ही बजट रहने वाला है सारे दिन, कहीं भी देखोगे तो। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है मेनली एशगबत समझौते के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो देखते हैं कि एशगबत एग्रीमेंट है कहीं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है वो नोट डाउन हम कर लेते हैं। देखो, इसके एशगबत एग्रीमेंट को समझने के लिए पहले हमें 2-3 चीज़ें वो जाननी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC क्या है, ये देखते हैं। इंडिया को एक्चुअली जो मेनली यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि इंडिया के द्वारा भी कुछ ना कुछ हद तक फंडेड है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मतलब है क्या, जो कि इंडिया को एक्चुअली जो रशिया है, मतलब रशिया का जो मॉस्को पोर्ट है वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम में स्टार्ट चला है। गवर्नमेंट के द्वारा या बाकी और कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं, उनके द्वारा एक तरीके से कॉरिडोर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में कहाँ से कहाँ तक के लिए। अब देखो, आप जानते हो कि अगर इंडिया को मतलब यूरोप तक एक्सेस देनी है तो उसके लिए सबसे अहम बात ये होती है कि इंडिया वो सेंट्रल एशिया से क्रॉस होते हुए जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया आप देख सकते हो ये सारा सेंट्रल एशिया का एरिया है। अगर इस एरिया को इंडिया क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया वो किया गया एशगबत एग्रीमेंट। तो एशगबत एग्रीमेंट ये है कि यहाँ की जो कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज में है, ईरान हुआ एक, तो यहाँ पर ये वाली ईरान कंट्री है। फिर इसके बाद में यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ओमान है, तो ओमान हुआ, और इसके बाद में उज्बेकिस्तान। तो यहाँ की ये 4 कंट्रियाँ होगी जिनका नाम है ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन्होंने आपस में एक अपना एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि जो कि इसका एक अहम पार्ट होता है, मतलब इंडिया का जो है बड़ा वाला रोड रूट आप देख रहे हो ना, कि इसमें रोड रूट भी है, एयर रूट भी है, सारे रूट भी इंक्लूड है इसमें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसी का एक छोटा पार्ट है जिसका नाम है एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि मतलब इन 4 कंट्रीज़ के बीच में है। तो अभी इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि इस एरिया से भी इंडिया को कनेक्टिविटी मिले, और इंडिया का जो मेन प्रोजेक्ट है जो कि है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, उसको सफलता मिल सके। क्योंकि INSTC को सफलता तभी मिलेगी जब इंडिया इस वाले क्षेत्र को क्रॉस करके यहां तक पहुंचेगा। तो इसलिए इंडिया ने अभी जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एशगबत एग्रीमेंट, किन किन के बीच में साइन हुआ है, यह मेनली ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो 4 कंट्रीज तो वो हैं ये जहां इस एरिया वाली, और इंडिया ने इसको साइन किया। तो ये कंप्लीट न्यूज थी जो हमने यहां पर डिस्कस की, क्योंकि देखो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी इंडिया के लिए काफी अहम होती है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, देखते हैं हम अफगानिस्तान के लिए। इंडिया अफगानिस्तान में काफ़ी शांति बहाल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो इसलिए अगर अफगानिस्तान में भी कनेक्टिविटी करनी है तो भी सेंट्रल एशिया काफ़ी अहम होता है। तो देखो ऑल ओवर बात यह कि इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक बढ़ानी है, और उसके साथ यूरोप वाले एरिया तक भी बढ़ानी है। यहाँ पे मॉस्को का जो पोर्ट है तो वहाँ उन एरिया में कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम्स हैं, ये कॉरिडोर वगैरह ये बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ में थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो मेनली है एकलव्य स्कूल के बारे में। तो इसके बारे में न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि एकलव्य स्कूल है क्या। तो देखो मेनली सबसे पहली बात यह कि एकलव्य जो आवासीय स्कूल है, जो कि मेनली रेजिडेंशियल स्कूल है, वो अभी जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग ST क्लास शेड्यूल ट्राइब के जो लोग रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने मतलब एक तरीके से कंपलसरी कर दिया कि भाई उन एरियों में जहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब की है, वहाँ पे एकलव्य स्कूल है वो स्थापित किए जाएंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं ये ध्यान रखती हैं कि एक तो एकलव्य स्कूल है वो मेनली रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब आवासीय स्कूल है, वहां पे बच्चे हैं वो रह भी सकते हैं। अब देखो इंडिया में जो भी नवोदय विद्यालय है वो क्या है, नवोदय विद्यालय वो भी हर जिले में कम से कम एक तो कंपलसरी होता है। तो उसी तर्ज पे एकलव्य स्कूल है वो बनाई जा रही है ताकि वहां पे भी जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो मतलब शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं वो आराम से रह सकें और अच्छी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकें। तो उसी की तर्ज पर चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। नए बजट में गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रावधान भी किया, नए फंड वगैरह वो एलोकेट किया है। और इसी के साथ इसमें एक ये चीज़ है वो है EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये क्या है, तो ये भी UPSC पूछ सकते हैं। जो हमने अभी देखा कि 1998 में इसे स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है क्या इसमें ये प्रावधान है कि जिन एरियों की पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा, मतलब वहाँ पे शेड्यूल टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे कम से कम एक आवासीय स्कूल है वो कंपलसरी होगा। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो एशगबत एग्रीमेंट को जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बाद में चलते हैं CPEC के बारे में। देखो न्यूज़ क्या वो देखते हैं, न्यूज़ ये है कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी चाइना ने इंडिया के जो भी कंसर्न उनको दूर करने के लिए आपस में मतलब बातचीत करने का न्योता एक मौका है वो दिया है। तो वो भी न्यूज़ आई है। तो ये न्यूज़ अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है सबसे पहले कि भाई हम CPEC के बारे में भी 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो देखो CPEC आप जैसे कि जानते हो कि मेनली चाइना के
चाइना को एक्चुअली पाकिस्तान से कनेक्ट करते हुए कॉरिडोर है जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का जो गिलगितस्तान का जो एरिया है उस एरिया से क्रॉस होकर जाता है। जबकि आपको पता है कि गिलगितस्तान जो बाल्टिस्तान जो एरिया है वो मेनली काफ़ी एक तरीके से इश्यू भरा मामला है, इंडिया की सोवरेनिटी का इश्यू है, तो उसकी वजह से इंडिया उसे मतलब इंडिया के अपने इश्यूज़ हैं वो है, सोवरेनिटी का मेन मुद्दा था, वही मुद्दा हमने यहाँ पे देखा। तो यह मेनली दो तीन चीज़ें, एक तो ये ध्यान रखनी है कि जो चाइना बेल्ट एंड चाइना सॉरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक है वो मेनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का मेन प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है, तो ये ध्यान रखनी है। इसी के साथ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है, तो नामों में एक तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ ये है कि जो सीपेक है वो मेनली 51 बिलियन का एक 51 बिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट है चाइना के द्वारा, जो मेनली चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी डिसाइड करेगा कि ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता। तो मेन बात यह है कि अगर ये सक्सेसफुल होगा तो ही चाइना की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदा होगा। अब चाइना चाहता है कि भाई इस एरिया में अगर शांति नहीं होगी या मतलब भारत इसमें शामिल नहीं हो तब तक चाइना को इसमें फायदा नहीं होने वाला है, तो इसलिए चाइना ने भारत को मतलब एक तरह से इन्वाइट किया, मौका दिया है कि भाई आप भी इसमें शामिल हो जाइए और आपके जो भी इश्यूज हैं उनको हम दूर करेंगे। तो इससे देखो फायदा क्या होगा, इससे एक तो फायदा ये होगा कि इंडिया के रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। अगर इंडिया इसको फ्यूचर में साइन करता है नहीं करता है, अगर मतलब फ्यूचर इंडिया साइन तब करेगा जब इंडिया की सॉवरेंटी का इश्यू खत्म हो जाएगा, या तो इसको दूसरे एरिया से लेकर जाएगा या फिर इसका जम्मू एंड कश्मीर का जो भी सोल्यूशन है निकलेगा उसके बाद, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सीपेक है वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके लिए हम एक बार थोड़ा मैप है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड को इसी मैप में चलो देख लेते हैं। हाँ इसी में हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाला एक सेकेंड मार्कर, हाँ ये वाला जो एरिया मैंने लिया है चाइना का एरिया, जैसे कि हम जाते हैं कि ये मैक्सिमम ये है पूरा है चाइना का एरिया है। तो चाइना का यहाँ पे एक जिनजिंग प्रांत है, इस प्रांत को एक्चुअली ये कनेक्ट करेगा यहाँ से ग्वादर पोर्ट तक, तो ये इसकी मेनली है। अब यहाँ पे आता है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से सीपेक का वो क्रॉस होता है। अब इंडिया का जो इशू हमने देख लिया कि सोवरेनिटी का मेन इशू यहाँ पे आता है। अब देखो चाइना के पास एनर्जी का काफ़ी अहम रूट हो जाता है, क्योंकि देखो चाइना अभी जो एनर्जी के लिए डिपेंड रहता है इन वाली कंट्रीज़ पर जो अरब कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के लिए चाइना क्या करता है इस वाले एरिया से एक्चुअली चाइना का रूट है वो होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये मलका जलडमरू मलका स्टेट है, तो अगर चाइना को काफ़ी डर रहता है क्योंकि चाइना की रिलेशन है वो इन कंट्रीज़ के साथ जो आसियान कंट्रीज़ हैं इनके साथ अच्छे नहीं है, तो चाइना को डाउट रहता है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में ये रूट बंद हो जाए और हमारी एनर्जी सप्लाई है वो रुक जाए। इसलिए चाइना चाहता है कि हमारे पास एक दूसरा विकल्प है वो रहना चाहिए, और इसीलिए चाइना ने सीपेक को बनाया ताकि चाइना की इकोनॉमी है वो मेनली अफ्रीका और जो ये कंट्रीज है मिडिल ईस्ट या जो मेनली सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सीपेक क्यों बनाया गया, क्या इसके मेन मोटिव, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आती है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी तरफ हम देखते हैं। तो एशिया का लार्जेस्ट ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो मेनली कर्नाटका के रामथल मरोला में स्टार्ट किया गया, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, यूपीएससी इस पर पूछ सकती है मेनली, ज़्यादा इसमें इतना कुछ है नहीं, और इसराइल की हेल्प से, क्योंकि देखो इसराइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इसराइल की टेक्नोलॉजी इंडिया वो यूज़ एडोप्ट कर रहा है और इसराइल की एक फर्म है वो इसमें हेल्प कर रही है। अब होता क्या है, देखो होता मेनली है कि जो रिवर्स होती हैं उसके किनारे वाले जो खेत होते हैं ना वहाँ पर तो क्या पानी की सप्लाई हो जाती है इजीली, बट जो ये किनारे वाले खेतों के अंदर और जो इस वाले तरफ जो खेत होते हैं इन वाले खेतों पे क्या कि पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। हाँ तो इन वाले एरिया में क्या कि पानी की जो मतलब पानी है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसी दिशा में गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम चलाया ताकि ड्रिप इरिगेशन के तहत यूज़ करके मतलब यहाँ से क्या है पाइपलाइन वगैरह बिछा दी जाएंगी और इस वाले एरिया में कनेक्टिविटी है पानी की वो हो जाएगी। अभी देखो क्या होता है अगर इस वाले अंदर वाले खेतों में अगर पानी पहुँचाना है तो इसके लिए तो नहर वगैरह बनानी होगी, तो नहर बनाने के लिए एक तो हमें काफ़ी सारा लैंड है वो ऑक्यूपाई करना होगा, इसी के साथ मतलब काफ़ी सारा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। तो आपको पता है कि इंडिया में लैंड ऑक्यूपाई करना भी इतना आसान नहीं है, रूल रेगुलेशन काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और जो पाइपलाइंस वगैरह इनका यूज़ किया जाए ताकि अंदर वाले खेतों में भी सिंचाई वो सुनिश्चित की जा सके, और पानी की काफ़ी कमी होती है तो इसलिए पानी की कमी को भी सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चलाया कि ड्रिप इरिगेशन के तहत पानी है वो काफ़ी कम यूज़ होगा और फसलों की क्वालिटी वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो इसराइल की हेल्प से ये स्टार्ट किया गया है, तो इससे पानी की भी बचत होगी और खर्चा भी कम होगा गवर्नमेंट का। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो न्यूज़ आई है वो आई है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसके बारे में भी हम दो तीन पॉइंट हैं वो देखते हैं कि भारत नेट प्रोजेक्ट में क्या नए पॉइंट आए हैं। देखो भारत ने जो प्रोजेक्ट है वो मेनली उसका प्रावधान ही है कि हमारे देश की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको आपस में इंटरनेट की एक्सेस दी जाए और हाई स्पीड जो इंटरनेट है ऑप्टिकल फाइबर के तहत वो प्रोवाइड किया जाए। तो अभी तक 1 लाख ग्राम पंचायतों को तो इंटरनेट से कनेक्ट हो कर दिया गया है और अभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतें और बाकी हैं, तो उसके लिए नए बजट में नया फंड है वो एलोकेट किया गया है, तो उसी को लेके है न्यूज़ थी। तो हम इसके बारे में जो पॉइंट है वो अभी यहाँ पे देख लेते हैं।
देखो ये फंड किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय नेट प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली फंड की जरूरत होती है, तो जो भारत नेट के लिए जो फंड है वो दिया जा रहा है यूएसओपी के बारे में, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। अब देखते हैं कि यूएसओपी है क्या, यूएसओएफ क्या है, एफ एफ ओ फंड। हाँ यूएस ओफ का मतलब हमने देखा कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड जो कि 2002 में बनाया गया था। अब इसमें होता क्या है, इस फंड में वो पैसा आता है जो कि मेनली ये टेलीकॉम कंपनीज होती हैं इनके द्वारा लेवी के रूप में लिया जाता है। अब देखो हमारे देश में क्या है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं इनके जो भी रेवेन्यू होता है उससे क्या है कि 5% रेवेन्यू लिया जाता है यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी के नाम से, और ये जो यूएसएल है ये 5% ये जाता है भारत की कंसोलिडेट संचित निधि में, और उस संचित निधि से जो पैसा होता है वो होता है भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए या जो भी मतलब टेली सर्विस सर्विसेज के लिए फंड है वो यूज होता है, ताकि भारत में टेली सर्विसेज है जिन एरियो में मतलब इंटरनेट नहीं है या बाकी और भी इंटरनेट का गवर्नमेंट का कहीं भी विस्तार करना है, कॉलिंग वगैरह की एक्सेस देनी है, उन सारे फंड के लिए इसका यूज है वो होता है। तो यही ध्यान रखना कि ये फंड आता कहता है, ये फंड मेनली आता है यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी जो कि जो भी हमारे देश की टेलीकॉम कंपनीज हैं ऑपरेटर्स हैं उनसे 5% चार्ज है वो लिया जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी कहाँ से फंड आता है और इस फंड को कब बनाया गया था और किस लिए, ये मेनली रूरल एरिया में जो रिमोट रूरल और जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वहाँ पे मतलब इफेक्टिव ढंग से सब्सिडी दी जाएगी उन लोगों को और गवर्नमेंट भी जो सब्सिडी के प्रोग्राम चलाएगी ताकि इंटरनेट की एक्सेस है वो हो सके टेलीग्राफ सर्विसेज के लिए मेनली। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है आरआईएससी के बारे में। तो देखते हैं कि आरआईएससी है क्या, रियूटिलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। तो देखते हैं कि है क्या इसमें, यह मेनली गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है जो अभी नए बजट में एक्चुअली इसके बारे में घोषणा है वो की गई है किस लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए। इसमें होगा क्या, इसमें होगा देखते हैं, इसमें जो भी हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं मतलब इंक्लूडिंग हेल्थ, ये ध्यान रखनी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि हेल्थ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं उनको रिसर्च और उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यह गवर्नमेंट की एक स्कीम है वो चलाई गई है। अब होगा इसमें और क्या होगा, इसमें यह होगा कि हमारे देश में जो एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं उनके देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहती है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहती है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने नए बजट में प्रावधान रखा है कि भाई अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किसकी हेल्प से, जो पैसा आएगा वो आएगा HEF की हेल्प से। तो HEF क्या है, HEF है वो हायर एजुकेशनल फाइनेंशियल एजेंसी, तो हायर एजुकेशनल फाइनेंशियल एजेंसी है ये पैसा देगी 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए, और उस पैसे का यूज करके जो इंडिया के मेडिकल और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको उनकी हालत है वो ठीक की जाएगी। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, HEF देख लेते हैं। हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी है वो मेनली एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है गवर्नमेंट का जो कि केनरा बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी हेल्प से स्टार्ट किया गया है, और इसमें 50% जो भागीदारी है वो गवर्नमेंट की थी। स्टार्टिंग में से 2000 करोड़ रुपये के इनिशियल फंड से बनाया गया था, तो 1000 करोड़ रुपये थे वो गवर्नमेंट के थे और 1000 करोड़ रुपये बाकी दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से। तो ये इसमें चीज़ थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें गवर्नमेंट का प्रावधान ये रखा गया है कि भाई भारत में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं हेल्थ रिलेटेड जो भी हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना है, उसके लिए फंड है वो अरेंज करेगा, और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है IIT IIM NITs उन सब के लिए और बाकी भी इधर सारे इंस्टीट्यूट हैं मतलब जो काफ़ी वर्ल्ड लेवल जो इंडिया के काफ़ी मेन इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए फंड है वो अरेंज करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और इसमें जो कुछ पैसा आएगा वो आएगा CSR से। देखो कंपनीज होती हैं उनको अपने रेवेन्यू का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कुछ पैसा है वो देना होता है, मतलब हमारी समाज की भलाई के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाती रहती हैं, तो उसके तहत जो CSR का कुछ पैसा वो भी इस फंड में आएगा और उस पूरे फंड का यूज है वो किया जाएगा मेनली जो इंस्टीट्यूट है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई एक छोटी सी, वो है भाषा सम्मान अवार्ड के बारे में। तो देखते हैं कि भाषा सम्मान अवार्ड है क्या। देखो भाषा सम्मान अवार्ड है वो मेनली साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, किस लिए, यह लैंग्वेज के लिए दिया जाता है जो लैंग्वेज विभिन्न हिस्सों में इक्वल बोली जाती है, और अभी यह रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो मेघई लैंग्वेज है उसके लिए यह दिया गया है, एक राइटर है जिनका नाम है शेष आनंद को, तो शेष आनंद जो है उनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। तो देखो हमें भाषा सम्मान ये पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया जाता है, किससे रिलेटेड है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा यह दिया जाता है लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज सभी एरियाज में ऑलमोस्ट इक्वल सी बोली जाती है उसके लिए। अब एक तो देखते हैं कि मेघई लैंग्वेज है कौन सी, देखो मेघई लैंग्वेज है इसका पुराना नाम है मगध, मतलब मगध जो एरिया था हमारी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है एंसेंट में तो वहाँ पे आता है मगध, तो मगध एरिया वो मेनली बिहार और झारखंड के एरिया को मिला के कुछ एरिया था उसको कहते हैं मगध। आज तो देखो क्या है कि नए स्टेट बन चुके हैं तो इसलिए मगध को इजीली आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, बट मेनली बिहार का कुछ एरिया इसमें शामिल होता है और झारखंड का, तो उस वाले एरिया में मेघई लैंग्वेज है वो बोली जाती है, इसे मेनली मगध लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं अगली न्यूज़, अगली एक न्यूज़ आई है वो आई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कि एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में बनाई गई है, कहाँ पे, नाम क्या उसका, उसका नाम है गोडी
गोडाजारी, तो गोडाजारी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। कहाँ पे? ताड़ोबा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पहले, उसके पास में ब्रह्मपुरी फॉरेस्ट है, वहाँ पे इसे बनाया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये कौन घोषित करता है, कौन ये बनाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, अगली जो न्यूज़ हुआ है सेला पास के बारे में, इसके लिए बजट में भी न्यूज़ ये आई है कि सेला पास के लिए गवर्नमेंट टनल बनाने के लिए नया फंड है वो इस बजट में, मतलब नया बजट में जो फंड है वो एलोकेट कर रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सेला पास है कहाँ, सेला पास या सेला दर्रा, यह मेनली अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को कामेंग जिले से कनेक्ट करता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि सेला जो पास है, सेना जो टनल है बनाई जाएगी, जो गवर्नमेंट जो सेना टनल अभी बनाई जाएगी, वो एक्चुअली उसके पास में एक सेला लेख है जो कि तिब्बत बौद्ध के प्रमुख एक इंपॉर्टेंट स्थानों में से आती है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। सेला नाम आज है, मतलब अरुणाचल प्रदेश की न्यूज है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो आज क्वेश्चन सब हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर नहीं कर पाया था, बजट की काफ़ी सारी चीज़ें थी वो इंक्लूड नहीं है, तो क्वेश्चन हम कल की जो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे कुछ ना कुछ और भी पॉइंट बाकी रह गए हैं मेरे लिए बजट से रिलेटेड, तो हो सकता है कि कल संडे है तो कल काफ़ी टाइम रह जाएगा, तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को रिकवर कर लेंगे, एक दो आर्टिकल्स वगैरह भी बाकी बचे हुए हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू एनवेज फॉर डिस्कशन।